आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ The question is what are effects of air pollution? How can it be minimized? तो एयर pollution के क्या effect होंगे और इन effects को या एयर pollution को हम कैसे कम करेंगे कैसे मिनिमाइज करेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है तो एनी अनडिज़ायरेबल चेंज कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज का होना किसके अंदर जो एयर की करेक्टरिस्टिक्स हैं चाहे वो एयर की हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक हों या फिर एयर की केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हों या फिर हम ले सकते हैं बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स तो एयर की इन करेक्टरिस्टिक्स के अंदर अनडिज़ायरेबल अनवांटेड चेंज का होना एयर पॉल्यूशन कहलाएगा अब एयर पॉल्यूशन के क्या अफेक्ट्स होंगे वो हम देखेंगे तो फर्स्ट हम ये लेंगे ओजोन डिप्लीशन अब ओजोन क्या है एक गैशस लेयर है आ, एज शील्ड वॉक करती है हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है तो कुछ हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि जिसके अंदर मेजर हमारे आएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि ओजोन को डिप्लीट करने का काम करते हैं तो ये हमारे पॉल्यूटेंट्स क्या हैं इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं और हम लेंगे यू ट्रॉपिकेशन यू ट्रॉपिकेशन क्या होता है यह फिनमिना लेक्स की एजिंग को बताता है लेक्स के अंदर क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स का या फिर ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीज होना यह हमारा यू ट्रॉपिकेशन कहलाएगा जिसके अंदर जिसके कारण लेक्स के अंदर क्या होगा ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो लेक की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी अब लेक्स की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी लेक्स के अंदर जो फास्फोरस और नाइट्रेट का कंटेंट है वो इंक्रीज होगा तो यहां पर प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे उसके अलावा बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हार्ट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो सकती हैं एयर पॉल्यूशन के कारण चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स मेनली ये चाइल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज होना तो एयर पॉल्यूशन क्या करेगा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा लंग कैंसर भी हमें इसके कारण हो सकता है तो कुछ पार्टिकुलेट मैटर एयर के अंदर प्रेजेंट कर हो, हो होते हैं अगर हम उनको इनटेक कर लें हम कंज्यूम कर लें तो हमें लंग कैंसर हो सकता है उसके अलावा फीटल ग्रोथ को भी जो एयर पॉल्यूशन है वो अफेक्ट करेगा अस्थमा हमें हो सकता है ये भी हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि एयर पॉल्यूशन के कारण होगी एयर पॉल्यूशन है वो हमारी क्रॉप्स को भी डैमेज करता है कैन डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज इन अ वैरायटी ऑफ वे वेराइटी ऑफ वेज तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है जो लैंड है उनको इनफर्टाइल करता है तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करेंगे कम करेंगे तो नंबर फर्स्ट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम किसका यूज करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके एयर पॉल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ से हमारी हार्मफुल गैस रिलीज होती हैं जो कि एयर का जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं ओके okay? उसके अलावा रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग फॉरेस्ट फायर को हमें कम कम करना होगा स्मोकिंग को कम करना होगा अवॉइड यूज ऑफ क्रैकर्स। ट्रैकर्स की बर्निंग को हम रिड्यूस करके एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं उसके अलावा अवॉइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से क्या होता है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं एयर के अंदर जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं तो इस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं ओके थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर